दोस्त, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जब आप लेह से नूपुरा वैली जाएंगे तब आपका रूट प्लान क्या होना चाहिए, आपको बजट होमस्टे कैसे मिलेगा, बजट होमस्टे का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और आप अपना पेट्रोल कैसे मैनेज कर सकते हैं, और जो भाई लोग थंबनेल देख के आए कि अंग्रेजन के साथ कैसे रुके, वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा जो कि आप लद्दाख ट्रिप पे बिल्कुल भी मिस मत करना। इसके साथ ही मैं आपको एक ऐसे मैप का लिंक दूंगा जिसमें कि लद्दाख के सारे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस मेंशन है। लद्दाख में बजट स्टे के सर्किट वन में हमने बात की थी हाले उमलिंगला सोमोरेरी की। मैंने बताया था कि कैसे आप वहां जाके बजट होम से ढूंढ सकते हैं और उनके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देखना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेह से जब आप नूपुरा वैली की तरफ जाते हो तब सबसे पहला पड़ाव आता है खारदुंगला। 2-2.5 घंटे राइड करके आप खारदुंगला पहुंच जाओगे। वहां से फिर जब नीचे उतरोगे तो नॉर्थ पुलू आएगा। नॉर्थ पुलू में एक ढाबा है, मतलब एक नहीं 2-3 ढाबे हैं जहां पे आप रुक के अपना रिफ्रेशमेंट ले सकते हो, मैगी चाय ये सब खा सकते हो। नॉर्थ पुलू से जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ोगे ना तब एक डाइवर्जन आएगा, राइट साइड का रास्ता हो जाता है, वो जाता है पैंगोंग की तरफ, लेफ्ट साइड का रास्ता नूपुरा वैली की तरफ। तो आपको लेफ्ट साइड चले जाना है और लेफ्ट साइड जाके सबसे पहले आता है खालसर। खालसर में पेट्रोल पंप मिल जाएगा आपको, वहां आप जो है अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा सकते हो। ले से जब आप निकलोगे तो अपना फुल टैंक करा के निकलना, साथ में एक 5 लीटर का जेरी कैन भी रखना साथ में। और जब आप खालसर पेट्रोल पंप पहुंचोगे तो फिर से एक बार अपना टैंक फुल करा के जेरी कैन भी फुल करा लेना। अच्छा, खालसर से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे ही एटीवी राइड पॉइंट आता है, ऑल टेरेन व्हीकल का राइड होता है। वहां पे एक डेजर्ट बना हुआ है और उस डेजर्ट में जो है लोग एटीवी बाइक्स लेके अपना घूमते हैं, फर्राटे मारते हैं, तो आप वो चीज भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। उससे थोड़ा सा और आगे ही बढ़ोगे तो डिस्किट आ जाएगा। अब मैं बोलूंगा कि ये आपके ऊपर है, आपको डिस्किट में रुकना है या फिर इससे 7 किलोमीटर आगे जाके हुंदर में रुकना है। डिस्किट जो है यहाँ पे गोम्पा फेमस है, डिस्किट गोम्पा, डिस्किट मॉनेस्ट्री जो है वो फेमस है, वहां जरूर जाना। और डिस्किट मॉनेस्ट्री से ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक काली माता मंदिर है, वो मिस मत करना। और वहां से जो ऊपर बर्ड आई व्यू मिलता है डिस्किट मॉनेस्ट्री और पूरे डिस्किट का, वो बहुत ही अमेजिंग है। अच्छा, डिस्किट में ना आप मेन रोड पे होमस्टे वगैरह लेना अवॉइड करना, आप ना गांव के अंदर चले जाना। जब आप गांव के अंदर जाओगे तो आपको बहुत सारे होमस्टेज मिल जाएंगे, बहुत सारे गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। यहाँ पे जो एवरेज प्राइस है वो है 2500 रुपये 2 लोगों के लिए। इस 2500 रुपये में आपका खाने का और रहने का, मतलब रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट और एक दिन का स्टे, वो रहता है। 2500 में 2 लोग अपना खाने पीने रहने का मैनेज कर सकते हैं डिस्किट में। अब यार मैं तो था अकेले और इतना 2500 रुपये दे के मैं नहीं रह सकता था, क्योंकि मेरा एक दिन का बजट रहता था कि मुझे 800 रुपये में ही रहना है, 800 से 1000 रुपये मैक्स। तो एक बजट होमस्टे ढूंढते ढूंढते मैं एकदम गांव के और अंदर जाते गए, और जितना मैं अंदर जा रहा था बहुत सारे होमस्टे मुझे दिखते जा रहे थे। अच्छा, अपना होमस्टे की खोज में मैं एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां की आज तक कोई रुका नहीं था, मैं उनका पहला गेस्ट था और वो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन था वो प्रॉपर्टी। उसका नंबर यहाँ पे आ रहा होगा। यहाँ पे 800 रुपये मैंने फाइनल करके मैं सोने चला गया, और जब मैं सो के उठा तब मुझे मिलता है इजरायली ट्रैवलर्स का ग्रुप। इनके साथ फिर बहुत सारी बातें हुई, इनके बारे में जाना, मैंने अपने बारे में बताया, और मैंने चिकन भी बनाया था फिर यहाँ पे। मैडम ने चिकन खाया जो कि खाने के बाद इनके कान से धुआं निकल गया था, क्योंकि मैं बहुत तेज मसाला खाता हूँ। अच्छा देखो, इनके साथ हैंग आउट करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, आपका इंटेंशन खराब नहीं होना चाहिए। इंटेंशन खराब होगा तो भाई ये लोग समझ जाते हैं यार ये साला किस पर्पज से बात कर रहा है मेरे से। तो इंटेंशन अगर आपका खराब नहीं है तो आप, दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल, आप उनके साथ बात बात करके घूम फिर सकते हो। आगे मैं अभी बताऊंगा कि आपको कहाँ मिलेंगे ये लोग, मतलब इनकी कम्युनिटी कहाँ रुकती है, कौन सी जगहों पे रुकती है। ये तो डिस्किट में एक छोटा सा बस एक एग्जांपल था, मैं जो मेन कम्युनिटी सेंटर है इनका उसके बारे में बताऊंगा आगे। अच्छा, अगर आप डिस्किट में रुकना नहीं चाहते हैं तब यहाँ से आप 7 किलोमीटर आगे जाके हुंदर में रुक सकते हैं। हुंदर जो है वहाँ पे कैंप साइट है, 2000 से लेके 2200 रुपये में आपको एक दिन का रहने का और रात का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। इसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो नहीं है, बट आप जैसे ही हुंदर के अंदर जाओगे जो व्हाइट सैंड एरिया है उधर जाओगे तो आपको बहुत सारे कैंप साइट आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, जब आप हुंदर से तुरतुक के लिए बढ़ते हो तब तुरतुक वहां से 80 किलोमीटर है, और हुंदर से 2-3 किलोमीटर चलने के बाद एक पार्तापुर करके जगह आता है, वहां पे आपको एक ढाबा मिलेगा। तो आई सजेस्ट कि आप उस ढाबे में रुक के खा पी लो अच्छे से, क्योंकि आगे का 2-3 घंटे तक आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलने वाला है। अब पार्तापुर में खा के जब आप 2-3 घंटे राइड करोगे तो फिर एक आर्मी का कैंप आता है, आर्मी का कैंप साइट आता है श्योक वॉर मेमोरियल के पास, और वहां पे आप रुक के फिर चाय समोसे खा सकते हो। इसके बाद जब आप तुरतुक पहुंचोगे तो तुरतुक जो है बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले जब हम सीधे जाते हैं तो वो ना एक चुटांग करके एरिया आता है, चुटांग में सारे मार्केट वार्केट है, ठीक है, मार्केट है, स्कूल है, ये सब है। और यहाँ पे आपको एक पंचर की दुकान भी मिल जाएगी, मतलब बाइक रिपेयरिंग की दुकान मिल जाएगी जो कि पंचर वंक्चर बना देते हैं। जब आप चुटांग से सीधा निकलोगे और लेफ्ट साइड लोगे तो लेफ्ट साइड में आपको एक पुल दिखेगा, सीधे चलते जाओगे आपको एक पुल दिखेगा बड़ा सा, पुल के इस साइड वाला एरिया, पुल के राइट साइड वाला एरिया को बोलते हैं युल। अब युल में जो है सारे आपको
पुराना तुरतुक जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी है वो युल में रहती है। आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ बिल्कुल गलियों में सिर्फ झरने बह रहे हैं और बहुत पुराने टाइम के यहाँ पे घर वर बने हुए हैं, यहाँ पे लोग वो रहते हैं। और मैं जो है युल में रुका था इस्माइल भाई के पास, इस्माइल भाई का एक होम स्टे है और मुझे वहाँ पे कितने 600 रुपए में मिल गया था रहने का और खाने का। मैं पहले भी जा चुका था तो इसलिए इस्माइल भाई मेरे से पैसे नहीं ले रहे थे, मैंने जबरदस्ती दिया उनको, तो इन्होंने जो है आधे रेट में मुझे अपना कमरा दिया रहने के लिए। यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा हाई फाई कुछ खाने को नहीं मिलेगा, बहुत ही ज्यादा अगर आप लग्जरी ढूंढ रहे हैं तो वो नहीं मिलेगा, आपको एक बेसिक रूम मिलेगा और बहुत ही नेचुरल सेटअप मिलेगा जहाँ की आप रह सकते हैं। अच्छा, अगर आप यूल वाले एरिया में नहीं रहना चाहते हो तो आप इस ब्रिज को पार करके, ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में है फरूल एरिया, फरूल में जो है आपको बहुत सारे होमस्टेज मिल जाएंगे, बहुत सारे कैफेज मिल जाएंगे, जैसे कि मोरोल होमस्टे हो गया, बागडोर होमस्टे हो गया, हिमालय होमस्टे हो गया, इन सब के नंबर आ रहे होंगे, तो आप इन सब जगहों पे जाके रुक सकते हो तुरतुक में। जब आप फरूल जाओगे तो फरूल में बाल्टी म्यूजियम है, उसको मिस मत करना, बाल्टी म्यूजियम बहुत ही शानदार है, 60 या 70 रुपए लगते हैं एंट्री के, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि आपका दिमाग हिल जाएगा कि यार ऐसा भी होता था क्या। अच्छा, जब आप फरूल विलेज के और अंदर चलते जाओगे तो आपको एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस होगा, ये ना एकदम नेचुरल, एकदम जो रॉ विलेज होता है ना, एकदम अनएडल्टरेटेड, मतलब यहाँ पे कोई भी मिश्रण नहीं है किसी भी चीज का, आपको पता चलेगा कि यार लोग अभी भी इस तरीके से रहते हैं। तो आई सजेस्ट कि आप फरूल को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना। फरूल में आप बिल्कुल ही लास्ट में चले जाओगे तो आपको एक मॉनेस्ट्री देखेगी, एक छोटा सा ट्रैक करके जब मॉनेस्ट्री के पास जाना पड़ता है और वहाँ फिर आप बेरीज जो है तोड़ के वो सब खा सकते हैं, गाँव वालों के साथ मिलके अपना उनके साथ घूम फिर सकते हैं, बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं, बहुत ही मजा आएगा। अच्छा, ये तो हो गया तुरतुक वाला एरिया, तुरतुक से फिर आप अगले दिन जो है थांग जा सकते हो, थांग में म्यूजियम है वो देख सकते हो और बॉर्डर व्यू पॉइंट है वो सब देख सकते हो। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि थांग घूमने के बाद ये ना वापस आने लगते हैं खालसर की तरफ, और ले की तरफ ना आके सीधे खालसर से सीधा निकल जाता है पैंगोंग की तरफ। तो जब आप थांग से खालसर की तरफ आओगे तो हो सकता है कि आपको शाम हो जाए, तो आप खालसर में यहाँ पे एक कैंप साइट है आरएसआर कैंप साइट, आप इनके पास रुक सकते हो। आरएसआर कैंप साइट में आपको जो है बेसिक टेंट, जो 1% टेंट है, वो आपको 400 रुपए में मिल सकता है अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो। आप अगर अपना टेंट लेके जाते हो तो 200 से 250 रुपए में या फिर 300 रुपए में आप अपना टेंट लगा सकते हो। और भाई आरएसआर कैंप साइट का खाना इतना ज्यादा बेहतरीन है कि मैं बता नहीं सकता, मैंने पूरे लद्दाख ट्रिप पे यहाँ पे अपना सबसे बेस्ट खाना खाया था आरएसआर कैंप साइट में, तो उसका भी नंबर आ रहा होगा तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो है सेम डे पैंगोंग निकल जाते हैं और फिर रास्ते में जाके फंस जाते हैं, वो अगम वगम वाला एरिया आता है और फिर वहां उनको बहुत महंगा भी पड़ जाता है। तो आई सजेस्ट कि अगर आप पैंगोंग लेक जा रहे हैं तो शाम का हॉल्ट, एक दिन पहले शाम का हॉल्ट जो है खालसर में ले लो और फिर उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह पैंगोंग की तरफ निकलो। अगली सर्किट में मैं आपको पैंगोंग वाले रूट का पूरा बताऊंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर कि आप इजरायली लोगों के साथ कैसे ट्रैवल कर सकते हो, उनकी कम्युनिटी से कैसे मिल सकते हो। तो देखो, जहाँ मैं ले में रुकता हूँ गोमांग होमस्टे, तो ये ना एक बहुत ही सस्ता होमस्टे है, 500 रुपए में, 400 से 500 रुपए में आपको रूम मिल जाता है जहाँ के आप रह सकते हो और बहुत ही साफ सुथरा, और ऐसा नहीं कि इनका रेट फ्लक्चुएट करता है कि सीजन का टाइम आया तो मैं आपको 1500 में दूंगा 2000 में, नहीं, इनका 500 रुपए ही रहता है। और इजरायली कम्युनिटी में ये होमस्टे बहुत फेमस है, तो जब ग्रुप में लोग आते हैं ट्रैवल करने यहाँ पे लेह में, इजरायल से जो लोग आते हैं, ज़्यादातर गोमांग होमस्टे या फिर गोमांग होमस्टे के सामने गुरु होमस्टे है वहाँ पे रुकते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको इजरायली कम्युनिटी के साथ कैसे आप इंटरेक्ट कर सकते हो और कैसे उनके साथ घूम सकते हो। उनसे बात बात करना यार, बात करना, उनके कल्चर के बारे में जानना, अपने बारे में बताना, और हब्सी मत बन जाना कि इस साल मैंने देख लिया तो भाई रहा ही नहीं जा रहा है, ये सब मत करना। डिसेंट रहोगे, दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल, आप उनसे दोस्ती कर सकते हो, घूम फिर सकते हो उनके साथ, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, आप अपनी कैसी बॉन्डिंग डेवलप करते हो उनके साथ और किस एक्सटेंट तक लेके जाते हो इस रिश्ते को। अच्छा, अभी जिसमें मैप की बात कर रहा था वो रहा ये मैप, और इस मैप का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके उस लिंक से अपना ये मैप डाउनलोड कर लो और इसमें आप अपना फिगर आउट करो कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, किन किन जगहों पे जाना है, कि बहुत सारी जगह है इसमें। बाकी आपके और भी कोई सवाल वाल होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यार ये चीज़, क्योंकि शेयर करने पे थोड़ा सा व्यूज़ आते हैं वीडियो पे, और ज़रूरी है व्यूज़ यार, क्योंकि मैं फुल टाइम अब इधर ही घुस चुका हूँ, तो आपका प्यार मुझे चाहिए भाई एकदम, मतलब बहुत ज़रूरत है प्यार की। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्त, एक नए सर्किट को मैं एक्सप्लेन करूंगा और अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो, हर हर महादेव।